हाई फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्लोबल हेयर कलरिंग दिखाने वाली हूँ। मेरी क्लाइंट रेडी है फॉर बर्गंडी हेयर कलर, तो लेट्स स्टार्ट द हेयर कलर। तो देखिए, हेयर कलर करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मेरी क्लाइंट अभी बर्गंडी लगाने वाली है स्ट्रिक्स का हेयर कलर, तो वो एक पैकेट लिया है मैंने, मॉइस्चराइजर क्रीम, कॉटन, डेटॉल हेयर कलर क्लीन करने के लिए, टिश्यू पेपर, हेयर ब्रश, बाउल एंड हैंड ग्लव्स। में एक डेवलपर होता है और एक क्रीम होती है, इन दोनों को इस तरह से बाउल में निकाला जाता है और मिक्स किया जाता है, उसके बाद हेयर कलर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपको हेयर कलर लगाना कैसे दिखाएंगे, ग्लोबल हेयर कलरिंग हम आपको दिखा रहे हैं। हेयर कलर लगाने से पहले आप अपने क्लाइंट को मॉइस्चराइजर लगा दीजिएगा थोड़ा सा स्किन को यहाँ पे, ताकि जब आप हेयर कलर करें तो उनकी स्किन को किसी भी तरह के हार्म कलर ना लगे। ओके, इसके बाद हम हेयर कलर स्टार्ट करेंगे। पार्टीशन कर लेंगे और हेयर्स को चेक कर लीजिए कि हेयर्स में ऑयल ना हो, किसी भी तरह का डस्ट ना हो, हेयर फ्रेश होने चाहिए, अदरवाइज आपका हेयर कलर अच्छी तरह से लगेगा नहीं। हमने पार्टीशन कर लिया है, टेलकॉम के इससे आप पार्टीशन को यूज़ कीजिए, टेलकॉम का यूज़ कीजिएगा पार्टीशन करते टाइम, ताकि नीट एंड क्लियर पार्टीशन मिले आपको। बचे हुए बालों को हम हेयर क्लिप लगा देंगे। इस तरह से आपको पहले तो रूट्स जो उनके नए आए सो बाल जो ग्रे हो गए, पहले हम उनको कवर करेंगे। थिन लाइन, थिन सेक्शन आपको लेना है, एकदम थिन सेक्शन, ताकि एवरी हेयर कलर हो। हम ग्लोबल कलरिंग दिखा रहे हैं तो पूरा आपका हेयर कलर होना चाहिए। इस तरह से थिन थिन सेक्शन लीजिएगा। तो पहले न्यू बॉर्न हेयर्स को आप हेयर कलर अप्लाई कीजिएगा। जब आपका ये सेक्शन पूरी तरह से लग जाए तो इसको ऑल ओवर कॉम कर लेना है, ताकि हेयर कलर सही जगह हर जगह स्प्रेड हो जाए, हर बाल ईच एंड एवरी बालों को वो लग जाए। देखिए, इस तरह से कॉमिंग करनी है। कॉमिंग करने से क्या होता है, कलर अगर कहीं नहीं लगा हो या बच गया हो तो वो भी अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है। इवनली स्प्रेड करना है हमको कलर को। इसी तरह हम यहाँ का सेक्शन भी कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ हेयर कलर कर लिया है, ये दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए। अभी हम थर्ड सेक्शन को स्टार्ट करें जो बैक साइड है। सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा आप नीट करेंगे तो अच्छी तरह से हेयर्स को कलर्स लग जाता है। ये देखिए, हेयर में ऑयल ना हो इसकी आप थोड़ी दखल दीजिएगा, कि हेयर्स में ऑयल बिल्कुल भी ना हो, हेयर्स ड्राई हो, क्लीन हो, तो हेयर कलरिंग अच्छी होती है। और आपको मैं एक टिप भी देना चाहूँगी कि हेयर कलर लगाने के बाद काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि 15 डेज बाद या 20 डेज बाद हेयर कलर निकल जाता है। तो अगर आपको हेयर कलर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो इसके लिए एक टिप है, हेयर वॉश करने के बाद, हेयर कलर के बाद में इमीडिएटली हेयर ड्राई करने के बाद आप ऑयलिंग कीजिएगा। ऑयलिंग करने से क्या होगा, आपको हेयर कलर का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और हेयर कलर लॉन्ग लास्टिंग आएगा। तो ये एक टिप है आप सबके लिए, जो काफ़ी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टिप होगी, जो वर्किंग वुमेन से इनको टाइम नहीं मिलता है बार बार हेयर कलर कराने का, तो इस तरह से हेयर कलर जो है लॉन्ग लास्टिंग आ जाएगा और हेयर डैमेज भी नहीं होगे, क्योंकि एनी हेयर कलर विदाउट केमिकल तो रेडी नहीं होते।
तो केमिकल के साइड इफेक्ट रुकाने के लिए घर जाने के बाद आप हेयर ऑयल कंपलसरी लगाना चाहिए, कोकोनट ऑयल लगाइए, काफ़ी अच्छा होता है, हेयर कलर लॉन्ग लास्टिंग भी आ जाएगा उसकी वजह से। इस तरह से ऑल ओवर हेयर्स को पहले हमने हेयर कलर लगा दिया है, अब हम इसको कॉम्ब करेंगे ताकि हेयर कलर अच्छी तरह से सब जगह स्प्रेड हो जाए और इवन लगे वो। अगर आप ग्रे हेयर्स के लिए हेयर कलर अप्लाई कर रहे हैं तो जितने आपके ग्रे हेयर से उतको ही कलर लगाइएगा, बाकी के हेयर्स को आप ज़्यादातर कलरिंग ना कीजिएगा तो हेयर डैमेज कम हो जाएंगे। इस तरह से हेयर कॉम्बिंग हमने कर लिया है, सब जगह कलर स्प्रेड हो चुका है। अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट्स तक। नहीं, ये स्ट्रिक्स का हेयर कलर है तो इसका टाइमिंग 30 मिनट से, आप जो भी हेयर कलर लगाइए उसके ऊपर टाइमिंग दिया होता है कि कितने समय तक उसे रखना है, तो इसके ऊपर हमको टाइमिंग है 30 मिनट्स, तो हम इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। क्लाइंट को यहाँ हेयर कलर लगाए, यहाँ पे लगाए और यहाँ कुछ जगहों पे लगाए, तो इसको क्लीन करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। कॉटन लीजिए, डेटॉल लीजिए, उसमें थोड़ा सा डेटॉल डिप कर लीजिए, बस इतना सा डेटॉल काफ़ी है, और इस तरह से क्लीन कर दीजिएगा, क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है तो इससे आपको कोई स्किन रैशेस भी नहीं होंगे और हेयर कलर भी निकल जाएगा। देखिए बहुत इजीली हेयर कलर निकल जाता है, देखिए साफ हो गया। अगर आप छोड़ देंगे तो हेयर कलर बच जाता है स्किन पे तो अच्छा नहीं दिखता। इस तरह से पूरी तरह से जहाँ जहाँ हेयर कलर लगा है आप क्लीन कर दीजिएगा, देखिए बहुत इजीली निकल जाता है। अभी हम इसको वॉश करेंगे, पहले रिन वॉश कर देंगे, पूरा हेयर कलर निकल जाना चाहिए बालों से। हेयर कलर निकल जाने के बाद हम इसको कंडीशनर अप्लाई करेंगे। इस तरह से पूरा हेयर कलर हमारा निकल गया है। अब हम कंडीशनर अप्लाई करेंगे, जो हमने अभी उनको हेयर कलर लगाया था उसमें हमको दो कंडीशनर के पैकेट्स आए तो हम उसको भी लगाएंगे। इस तरह से कंडीशनर स्कैल्प को अप्लाई नहीं करना है, ओनली हेयर्स को अप्लाई करना है। कंडीशनर अप्लाई करके हमको हेयर्स को कोमिंग देनी है, हेयर्स कोम करने हैं ऐसे इस तरह से। अभी हेयर वॉश कर देंगे, कस्टमर के कानों में पानी ना जाए इसकी थोड़ा ख्याल रखिएगा।
तो इस तरह से कंडीशनर भी क्लीन हुआ। अब मैं क्लाइंट को ब्लो ड्राई के लिए लेके जा रही हूँ। अभी हम हेयर्स को ब्लो ड्राई करेंगे। हेयर कलरिंग के बाद जब भी आप ब्लो ड्राई करें सीरम लगाइएगा हेयर्स को। सीरम अप्लाई करके ही हेयर ड्राई कीजिएगा। देखिए ऑल ओवर हेयर, यहाँ पे हर जगह पे हेयर कलर लग चुका है अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कहीं पे भी ग्रे हेयर्स नहीं दिखाई देंगे और स्कैल्प में भी ज़्यादा हेयर कलर नहीं लगा है। देखिए देखिए इस तरह से। अभी हम ब्लो ड्राई करेंगे इनके बालों को। पहले सीरम लेंगे। जब भी आप ब्लो ड्राई करें तो सीरम लगा के कीजिएगा ताकि हेयर्स डैमेज नहीं होंगे और सिल्की स्मूथ शाइनिंग का इफेक्ट आ जाएगा उसमें। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बर्गंडी हेयर कलर, ग्लोबल हेयर कलर मैंने आपको दिखाया है। इस तरह से हमने हेयर कलर किया है बालों को। पूरे बाल उनके टोटली हेयर कलर हो चुके हैं। ओके देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।